उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अशोक पब्लिक स्कूल के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। अशोक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बीते दिनों अशोक पब्लिक स्कूल के पूर्व शिक्षिका ने स्कूल के डायरेक्टर पर दर्ज कराया था छेड़खानी का मुकदमा। आक्रोशित विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम और एसपी को पत्र सौंप कर कार्रवाई की मांग की। मैं आपको विदित होगा कि अशोक पब्लिक स्कूल में एक प्रिंसिपल द्वारा, जो उन्हीं के विद्यालय शिक्षक थी, प्रिंसिपल थी, तो उनके द्वारा छेड़खानी का और जान से मारने का आरोप लगाया था गया था और उसमें FIR हुई थी, जिसमें आज तक FIR होने के बाद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वो खुले शांत की तरीके घूम रहे हैं और भी बहुत सारे जगह मामले आते रहते हैं जो दफन हो जाते हैं। आज विद्यार्थी परिषद तो उसी संबंध में आक्रोश में आकर के और जिलाधिकारी महोदय को और SP साहब को अवगत करवाया है और उनसे मांग की है कि अगर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।